आदमियों के लिए तो हर कहीं रेस्टोरेंट होते हैं, हर शहर में ऐसे रेस्टोरेंट की भरमार होती है, लेकिन रीवा में अब एक अनोखा रेस्टोरेंट खुलने जा रहा है। जी हाँ, ये रेस्टोरेंट गिद्धों के लिए होगा। यहाँ आदमी नहीं पक्षियों का ही प्रवेश होगा। जंगल के बीच में गिद्ध पार्टी करेंगे और उनके खाने पीने का खास ख्याल रखा जाएगा। जटायु संरक्षण अभियान के तहत गिद्धों को उनका पसंदीदा खाना परोसा जाएगा। दरअसल ये अभियान गिद्धों को बचाने के लिए कवायद है। वन विभाग गिद्धों को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। गिद्धों को एक खास जगह पर खाने को सब कुछ मिले और खासकर हाइजेनिक खाना उपलब्ध कराना ही इनका मेन मकसद होगा। विभाग वल्चर रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट बनाकर फाइल को भोपाल भेज रहा है। स्वीकृति मिलते ही वन विभाग जहाँ जहाँ गिद्ध पाए गए हैं उनके पास भोजन का उम्दा इंतजाम करेगा। रीवा वन विभाग जटायु संरक्षण अभियान के अंतर्गत कई प्रयास किए गए हैं जिससे कि गिद्धों की संख्या, उनकी आबादी में इजाफा हो और बढ़ोतरी हो। उसी अभियान के एक अभिन्न अंग के तौर पे हम अभी वल्चर रेस्टोरेंट या वल्चर सेफ फीडिंग साइट का भी हम प्रोजेक्ट बना के भोपाल मुख्यालय भेज रहे हैं, वन्य प्राणी मुख्यालय। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि गिद्धों को एक प्रोटेक्टेड फेंस्ड क्षेत्र में सेफ उनको खाना, उनको हाइजीनिक खाना दिया जा सके। अब उनको हाइजीनिक खाना क्या है? मवेशियों की डेड बॉडी जिसमें प्रतिबंधित केमिकल्स और ड्रग्स का उपयोग ना किया गया हो, डाइक्लोफेनेक या केटोप्रोफेन या एसिक्लोफेनेक, इनका उपयोग ना किया गया हो। और ये हम वहाँ पे ऑन अ रेगुलर बेसिस उस साइट पे भेजते रहेंगे जिससे कि गिद्धों को बिल्कुल सेफ खाना मिल सके। आपको बता दें कि इस बार की जनगणना में पिछली बार के मुकाबले दुगने गिद्ध यानी कि 700 गिद्ध पाए गए हैं। अब वन विभाग को उम्मीद है कि उनके इस प्रयास से भविष्य में गिद्धों की संख्या में वृद्धि जरूर होगी, क्योंकि जब एक खास जोन में गिद्धों को बढ़िया खाने का इंतजाम होगा तो गिद्धों की संख्या में और सुधार होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रीवा से गोविंद सिंह की रिपोर्ट।